हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज आपको इंडेक्स में काफी अच्छा जंप लगा होगा। लास्ट वीक से आप देख रहे हैं कंटिन्यू लोअर साइड मोमेंटम में था, पर प्रीवियस डे जैसे कि थर्सडे 3 बजे के आसपास काफी अपसाइड के लिए मार्केट ट्रेड होना स्टार्ट हो चुका था, और आज के दिन भी कहीं ना कहीं वैसा ही हुआ। आज बात करें निफ्टी 50 की, तो करीब 385 पॉइंट अगर राउंड फिगर माने तो 400 पॉइंट की मूवमेंट है। इस मूवमेंट का कोई मेजर पार्ट होगा तो वो पता है किसके वजह से है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। वन एंड ओनली रिलायंस शेयर के कारण, ठीक है। स्टॉक में ऑलमोस्ट 7% के आसपास का जंप था, जिस कारण से निफ्टी को इतने अच्छे से वो सस्टेन कर पाया, ठीक है। इसके साथ साथ हेवीवेट की बात करें तो एलएनटी में मोटा मोटा थोड़ा जंप है 2-3% के आसपास, और मेजर मोमेंटम में स्टॉक था वो था रिलायंस। किसी ने हमारी प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो उन्होंने उनको पता है कि हमने इस लेवल पे एक अच्छा खासा एक चैनल ड्रॉ किया था, और आपको सजेस्ट भी किया था एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न। उस पैटर्न में आपको अच्छा खासा जंप मिला था, ऐसा हमने बातें भी की, किसी को याद हो तो। आज के दिन भी इतनी बड़ी जो मोमेंटम आई है कोई रीजन नहीं है, वो कौन सी न्यूज की वजह से चला है वो आने वाले दिन में आपको पता चलेगा, ठीक है। अभी तो किसी को पता नहीं चलेगा, पर अगर आप लोग न्यूज का वेट ना करें और आपको मैं बताऊं कि आज रैली होनी थी, आप मानोगे नहीं मानोगे। मैं आपको दिखा देता हूँ उसका रीजन क्या है। चार्ट पैटर्न पे आप यहाँ पे देखिए, ठीक है, अच्छा खासा चैनल के अंदर स्टॉक ट्रेड कर रहा था। दो इंसाइडर कैंडल बनाई थी नेगेटिव के लिए, और ऑलवेज मदर कैंडल जब बनती है, ठीक है, मदर कैंडल मतलब एक प्रीवियस कैंडल बड़ी सी रहती है रेड या ग्रीन, उसके अंदर आने वाली कैंडल बनती है, और तीसरी कैंडल जिस तरफ भी मूवमेंट देती है अप या डाउन अच्छा खासा मोमेंटम मिलता। आज के दिन में कहीं ना कहीं वही हुआ है। आज के दिन स्टॉक गैप अप ओपन हुआ, उसके बाद स्टॉक ने अच्छा खासा अपर मूव में सस्टेन भी हुआ, और देखिए स्टॉक के लिए रेजिस्टेंस का लेवल था 2745। स्टॉक इसके ऊपर निकला तो स्टॉक के लिए मिनिमम टारगेट पता है कौन से रहते हैं, ये जहां से रैली स्टार्ट हुई थी, तो अपसाइड के लिए 2792 का लेवल था। और दूसरी चीज कहो, आप बोलोगे स्टॉक तो इसके ऊपर भी चला है, तो एक्चुअली इसलिए चला है स्टॉक ने तीसरी बार ही अटेम्प्ट किया है, ठीक है। फर्स्ट टाइम नियरेस्ट ऑल टाइम हाई, उसके बाद नियरेस्ट ऑल टाइम हाई, और ये तीसरी बार ट्राई था, ठीक है। कभी भी एक ट्रेड लाइन को देखना सपोर्ट या रेजिस्टेंस, सो अगर यहाँ पे जाता है रिजेक्शन लेता है, यहाँ पे अगर रिजेक्शन लेता है, तीसरी बार स्टॉक यहाँ पे आता है तो रिजेक्शन नहीं लेता, वो सीधा अपसाइड या फिर ट्रेड लाइन से अगर नीचे की साइड सपोर्ट ले रहा है तो फिर डाउन से चलता। वही कुछ आज के दिन हुआ है, और किसी ने प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो उनको पता है स्टॉक के लिए हमने ऑलरेडी 2798 के टारगेट दिए थे, और आज दिन में भी हमने बातें की थी कि रिलायंस आज अच्छा खासा मोमेंटम में आ सकता है कि 2798 के ऊपर टिका था। तो हमने लाइव ट्रेडिंग सेशन में बताया था कि 2850 से 60 तक जा सकता है, और स्टॉक ने उसके ऊपर भी रैली दी है, तो ये मोमेंटम आगे भी बना रहेगा। स्टॉक ऑल टाइम हाई के ऊपर है, इसके ऊपर स्काई इज द लिमिट रहती है। जैसे मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, किसी भी स्टॉक के लिए वो अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर निकलता है तो एक बुलिश व्यू उसके लिए बन जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ स्टॉक के ऑल टाइम हाई, ठीक है, एज पर डेली टाइम फ्रेम। अभी होगा क्या, कल के दिन भी 1-2% की मिनिमम मूव रहेगी, कितनी बड़ी ग्रीन कैंडल की है, इस बार ने भी एंट्री ली होगी, और जिन लोगों ने यहाँ पे एंट्री ली है, ठीक है, तभी उन सबका स्टॉप लॉस पता है कौन सा होगा, इसका नियरेस्ट ऑल टाइम हाई था प्रीवियस टाइम वो, तो जब तक इसके नीचे फिसलेगा नहीं वो लोग यहाँ पे प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे, समझ गए। दूसरी चीज, अगर यहाँ पे मैं फिबोनाची डालू, ठीक है, नियरेस्ट प्रीवियस ऑल टाइम हाई से बात करता, तो उसमें भी कहीं ना कहीं 2900 का टारगेट दिखाया जा रहा था। अगर आपको चाहिए तो मैं इसके लिए प्रीवियस वीडियो की लिंक डाल दूंगा, जिससे आपको पता चले शेयर के लिए हमने कितनी बार बात की थी,
अभी अपसाइड के लिए सबसे पहला रेजिस्टेंस का लेवल बनेगा 2923 का, तो पॉसिबल है 2920 से ही स्टॉक रिजेक्शन ले या फिर इसके ऊपर भी ट्रेड करना स्टार्ट करो। दूसरी चीज है, अगर आप चाहे टारगेट निकालना तो पिवट पॉइंट डाल सकते हैं। पिवट पॉइंट के हिसाब से आपको 3 का टारगेट मिलेगा एक राउंड फिगर। और वनडे टाइम फ्रेम पे एक चीज नोटिस करेंगे, RSI ओनली 74 के आसपास है, ठीक है अभी भी। तो पोटेंशियल है इस स्टॉक के लिए RSI ना सबसे ज्यादा 80 के आसपास होती, मुझे इतना पता है। देखिए 82 के आसपास ऑलवेज मैक्सिमम टू मैक्सिमम इस स्टॉक के लिए RSI जाती है, तो यहाँ पे भी आप इतनी RSI पकड़ सकते हैं टारगेट के लिए, ठीक है। लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक काफी अच्छा परफॉर्मेंस करेगा, वो भी मैंने आपको बताया था, क्योंकि लास्ट 5 ईयर्स आप इस स्टॉक के लिए देखेंगे, मैं तो बताऊँ 5 साल नहीं 10 साल के लिए देखे, स्टॉक ने कुछ रिटर्न दिया ही नहीं है। लास्ट 10 साल में स्टॉक ने कुछ रिटर्न दिया ही नहीं है, तो पॉसिबिलिटी है स्टॉक और अच्छा परफॉर्मेंस करने की। अगर मैं नीचे के लेवल से टारगेट ढूंढूंगा तो टारगेट काफ़ी बड़े आएंगे, ठीक है। अभी ऑल टाइम हाई से जो प्रीवियस स्विंग था वो लेते हैं, तो देखिए टारगेट कितने आ रहे हैं, 3337 इस स्विंग से जहाँ पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न स्टार्ट हुई थी। और इसी पैटर्न को मैं थोड़ा सा ब्रॉड लाइन कर दूं, तभी आपको दिखेगा कि कितना बड़ा हेड एंड शोल्डर है। तो अगर इसका भी हम लोग मूव कैचअप करना है ट्राई करेंगे ना, तो उसके टारगेट तो आपने सोचे नहीं होंगे। वो भी करीब मैंने जो पिवट पॉइंट के हिसाब से टारगेट दिए थे उसके आसपास जाने की कोशिश कर, मतलब 3065। मैंने यहाँ पे आपको राउंड फिगर बताया पिवट पॉइंट के हिसाब से, तो मिनिमम स्टॉक यहाँ से 3070 के आसपास जाने की कोशिश कर सकते हैं। चलो फिलहाल के लिए हेड एंड शोल्डर में निकाल देता हूँ। इस चार्ट का ना आप चाहे तो फोटो भी ले सकते, ठीक है। नेक्स्ट टाइम हम जब भी एनालिसिस करेंगे मैं आपको यही फोटोग्राफ दिखाऊंगा, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी भी ये चैनल को रखा है, उसका रीजन यही था कि हमारे व्यूअर को पता चले कि हमने इससे पहले भी स्टॉक के लिए एनालिसिस किया था और क्या किया था। चलो जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे जरूर से लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और चैनल पर अगर पहली बार आए तो मस्ट भी आपको रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जैसे ही डेली और वीकली स्टॉक स्पेसिफिक या फिर इंडेक्स स्पेसिफिक या फिर मार्केट रिलेटेड कुछ ना कुछ मैं पोस्ट करता रहता। थैंक यू।